Hello everyone, today we're going to start with our new chapter that is fractions. Alright, so today's first topic is fractions. पहले समझते हैं कि basically fraction होता क्या है. Fraction basically अगर हम practically समझें या फिर एक language में समझें, it is a part of a whole. It is a part of a whole. ठीक है. या फिर अगर अपन इसकी डेफिनेशंस पे जाए फ्रैक्शन की, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि फ्रैक्शन कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर होल नंबर, p एंड q आर होल नंबर. और एक और चीज़ अगर अपन समझने की कोशिश करें तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है. फ्रैक्शन का हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसपे सारे क्वेश्चंस होते हैं. ये क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल. क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल. ठीक है. अब अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों के बेसिस पे. ठीक है. अब है ना, अपन मान लो कि आप एक पिज़्ज़ा आउटलेट पे गए. ठीक है. आपने क्या किया, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. ठीक है. इस पिज़्ज़ा के कितने पीस करके दिए उसने, 8 पीसेस करके दिए. ठीक है. अब क्या हुआ कि इसमें से आपने ये वाला पीस उठाया और खा लिया. तो ये वाला पीस अगर अपन ने खा लिया तो अपने पास में रिमेनिंग पिज़्ज़ा का कितना फ्रैक्शन बचा वो निकालता है. तो क्या हुआ कि फ्रैक्शन हमने पढ़ा है कि फेवरेबल अपॉन टोटल है. तो टोटल पीसेस कितने आए थे अपने पास में, टोटल पीसेस आए थे अपने पास में 8 पीसेस आए थे. तो टोटल में लिख दिया 8. ठीक है. उसमें से आपने एक पीस खा लिया. तो अगर आपने एक पीस खा लिया तो कितना फ्रैक्शन आपने खा लिया. ठीक है. तो कितना आएगा 1/8. ये हमने फ्रैक्शन क्या खा लिया. ठीक है ना, समझ में आ गई बात. अच्छा, अब क्या हुआ, एक और आपके फ्रेंड ने उठाया. ठीक है. उसने एक और पिज़्ज़ा खा लिया, एक और स्लाइस खा लिया उसका. ठीक है. अब मैं ये पूछूं कि कितना रिमेनिंग बचा, कितना अपने पास में फ्रैक्शन पिज़्ज़ा का रिमेनिंग बचा. तो कितने फ्रैक्शन बचे, 6 फ्रैक्शन बचे. और टोटल कितने थे अपने पास में 8. तो अपने पास में रिमेनिंग कितना बचा, 6/8. तो ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया. अब इसको समझते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल. ऑब्वियसली एक पिज़्ज़ा था, एक पिज़्ज़ा अपना पूरा एक होल की तरह यूज़ होता है, वन होल पिज़्ज़ा. ठीक है. उसका फ्रैक्शन, उसका पार्ट फ्रैक्शन बताता, तो उसका पार्ट ही बता रहा था. क्लियर है ये चीज़. उसके बाद में अपन ये डेफिनेशन समझते हैं, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई. ये अपना जो न्यूमरेटर है दैट इज़ नोन एज p. न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं ना बेटा. इसको अपन ने ये लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को अपन p मान लेते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं, और डिनोमिनेटर को अपन q मान लेते हैं. तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है. और वे q कैन नॉट बी 0, q कभी भी 0 नहीं होगा. क्यों, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. तो हम कभी भी q को कभी भी =0 नहीं लेंगे. ये चीज़ क्लियर हुई. फिर उसके बाद में क्या बोला है, p एंड q आर होल नंबर. होल नंबर कौन से होते हैं बेटा, होल नंबर होते हैं यहाँ से जो 0, 1, 2, 3 ऐसे जा सकते हैं, सोन. ठीक है. अगर ये होल नंबर है बेटा तो ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा. तो कभी भी फ्रैक्शन इज नेवर नेगेटिव. तो यहाँ पर नोट डाल देंगे, नोट डाल के क्या लिखना है, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. और इसका रीज़न क्या है बेटा, एक तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक के पूरे की बात कर रहे हैं, एक पूरे होल की बात कर रहे हैं, तो हमेशा वो पॉजिटिव ही मिलेगा. और दूसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि पी एन क्यू आर होल नंबर. अगर यही नेगेटिव नहीं होंगे, पी एन क्यू जो अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है बेटा वो अगर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे तो अपना फ्रैक्शन भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा. तो ये चीज़ क्लियर हो गई सबको. ठीक है. और ये अपना फॉर्मूला हमें याद रखना है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल. इससे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ समझते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं. जैसे मेरे पास में क्या है, 5 चॉकलेट्स हैं, 5 चॉकलेट्स हैं. ठीक है, इसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है 17 पीपल में, ठीक है 17 पीपल या 17 पर्सन्स, जो आप कहना चाहो, तो 17 पर्सन्स में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक पर्सन के पास में कितना फ्रैक्शन आएगा, एक फ्रैक्शन के पास में कितना फ्रैक्शन आएगा, तो 17 पर्सन्स में कितना करना है बेटा, 5 चॉकलेट्स। अब सबको यूनिटरी मेथड आता है, अगर एक पर्सन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 17 को कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, तो ये 5/17। तो एक पर्सन के बाद में कितना फ्रैक्शन आएगा, 5/17। अब एक काम करते हैं, फ्रैक्शन को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं थ्रू डायग्राम्स। क्लियर है ये सब क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। अब फ्रैक्शंस को थोड़ा डायग्राम्स के थ्रू अपन समझते हैं कि कैसे चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में रेक्टेंगल बॉक्स है, 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये पार्ट मैंने कलर्ड कर दिया, तो मैं आपको पूछना है कि फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट कितना होगा। तो फ्रैक्शन का एक ही फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे मैं वापस से लिख देती हूँ, फ्रैक्शन इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हमें चाहिए। यहाँ पे जैसे मुझे कलर्ड पार्ट चाहिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फेवरेबल पार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फेवरेबल पार्ट कौन सा होगा, कलर्ड पार्ट, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट 10 हो गए। और इसमें से फेवरेबल पार्ट कितने होंगे, जो कलर्ड है, तो कलर्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, सो 4 पार्ट विल बी कलर्ड, सो आवर फ्रैक्शन विल बी 4/10। अगर ये कट रहा है आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे ये दोनों 2 से जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड इधर 2 5 जा 10, सो इट विल बी 2/5। क्लियर है, एक और करते हैं, जैसे कि एक और देखते हैं डायग्राम। जैसे कि सर्कल है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट अपन कलर्ड कर देते हैं, जैसे ये पार्ट मैंने कलर्ड कर दिया, ठीक है ना, ये सारा पार्ट मैंने कलर्ड कर दिया। तो मैं पूछ रही हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पार्ट कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पार्ट। तो अपन क्या बात करेंगे, फेवरेबल इस बार क्या हो गया, मेरा अनकलर्ड पार्ट हो गया। तो टोटल कितना है अपने पास में, 8, और फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, सो विल बी 4/8। हम इसको काट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सो दैट विल बी आवर आंसर। तो ये फ्रैक्शन थोड़ा सा क्लियर है हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे, ऑलराइट। एक काम करते हैं, ये भी रब कर लेते हैं, सो दैट हमें थोड़ी सी वो जगह मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं डेसिमल एंड वल्गर, ठीक है। सो फर्स्ट इज डेसिमल एंड सेकेंड इज वल्गर फ्रैक्शन, ऑलराइट। अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, अपन को पता है फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। डेसिमल क्या कहता है कि इसमें डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 10 100 1000 एंड सो ऑन, ऑलराइट। मतलब 10 की पावर में कुछ होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 100 1000 एंड सो ऑन। वल्गर फ्रैक्शन क्या कहता है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, एनी होल नंबर, any whole number other than 10, 100, 1000 उनको क्या बोलेंगे हम? वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3/10, इसमें हमें न्यूमरेटर कुछ भी आ रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। न्यूमरेटर होल नंबर आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर की अभी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की। सो 3/10, 10 क्या हो गया? 10, 100, 1000 में आता था तो ये क्या होगा? डिनोमिनेटर 10 चल रहा है तो ये क्या होगा? एक डेसिमल फ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, 15/100 क्या ये होगा? क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आप इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अभी आगे अपन पढ़ेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। बेसिकली इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि 15/100 डेसिमल फ्रैक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कटेगा, ठीक है। तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 5 3s are 15 एंड इधर 5 2s are 10 तो 3/20। सो दिस इज नोन एज इट्स लोएस्ट फॉर्म, कि आप इसको काटते हुए जाओ, जब तक वो कट रहा है काटते जाओ। जब ये फर्दर कटना बंद हो जाएगा दैट इज नोन एज इट्स सिंपलेस्ट या फिर लोएस्ट फॉर्म। ये आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो ये इसकी डिटेल भी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या यहाँ पे 10, 100, 1000 आ रहा है डेसिमल या फिर डिनोमिनेटर में? नहीं। तो ये क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा? एक वल्गर फ्रैक्शन होगा। ये चीज़ समझ में आई। एक और देखते हैं, 11/1000 क्या आप इसको फर्दर कट कर सकते हो? नहीं कट कर सकते। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है तो ये भी क्या होगा? एक डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब वल्गर फ्रैक्शन पे चलते हैं, तो वल्गर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 के अलावा कुछ भी चले वो क्या कहलाएगा? एक वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7/20 क्या ये वल्गर फ्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी होल नंबर आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 10, 100, 1000 नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? जैसे 1/15 ये भी क्या होगा? एक वल्गर फ्रैक्शन होगा। 2/3 ये भी एक वल्गर फ्रैक्शन में ही आएगा। अच्छा मेरे को एक बार बताओ क्या ये वल्गर फ्रैक्शन होगा? 2/20 क्या ये वल्गर फ्रैक्शन होगा? ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कटेगा, ये लोएस्ट फॉर्म में थोड़ी ना है बेटा, इसको तो अपन काट सकते हैं ना। इन सबको काट नहीं सकते थे, इनको तो अपन काट सकते हैं। तो इसको पहले काटो तो ये कितना आ जाएगा? 2 1s are 2, 2 10s are 20। अब बताओ कि ये वल्गर है कि डेसिमल है? ये डेसिमल है। तो जब तक कट रहा है फ्रैक्शन आप काटोगे, उसके बाद ही बताओगे कि वो वल्गर है कि डेसिमल है, उससे पहले आप कभी भी आंसर नहीं दोगे। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? एक और देख लेते हैं लास्ट, जैसे कि 35/350 क्या ये वल्गर होगा या फिर डेसिमल होगा? तो अभी तो ये वल्गर लग रहा है क्योंकि 10, 100, 1000 नहीं आ रहा, पर जब अब इसको ये कट सकता है क्या? कटेगा, पक्की बात है कटेगा। तो पहले इसको काटो तो 35 1s are 35, 35 10s are 350। अब बताओ कि डेसिमल है कि वल्गर है? डेसिमल है। सो ये 1/10 क्या हो गया? डेसिमल हो गया, ना कि वल्गर। सो यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कभी भी जब तक कट रहे हैं अब फ्रैक्शन को काटो, उसके बाद ही आप आंसर करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डेसिमल में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 10, 100, 1000 आएगा। और यहाँ पे वल्गर में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कोई भी होल नंबर आ जाए 10, 100, 1000 और सो ऑन को छोड़ के, ठीक है। ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए आपको? ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाता है बेटा प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। तो 3 टाइप हैं, जैसे वल्गर और डेसिमल एक दूसरे के अपोजिट थे, वैसे ही प्रॉपर इम्प्रॉपर भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। सो फर्स्ट आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सो पहले अपन इसकी बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर क्या कहता है कि इसमें क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर मतलब पी इज लेस देन क्यू, जैसा आप समझना चाहें. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 3/5. ठीक है, ये अपना न्यूमरेटर हो गया, ये अपना डिनोमिनेटर हो गया. ठीक है, ऊपर वाले को अपन न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं, या फिर अपन ने पढ़ा है PA/Q. सो आप जैसा भी समझना चाहें. सो क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है 3/5. 3/5 कहना चाहता है बेटा कि जैसे एक है ना, यहाँ पे 5 ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 3/5 क्या कह रहा है कि इसमें से 3 पार्ट मेरे यूज है, या 3 पार्ट मेरे फेवरेबल पार्ट है. 5 टोटल पार्ट हो गए, तो 5 टोटल पार्ट बना लिए, और 3 पार्ट उसमें से क्या है, अपने फेवरेबल है. सो यहाँ से 3 पार्ट अपन कलर कर देते हैं. सो दिस इज नोन एज 3/5. आया समझ में. और एक और ले लेते हैं जैसे 5/12. ठीक है, ये पहले प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है. क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर इज लेस देन अगेन डिनोमिनेटर चल रहा है, 5/12 से छोटा है. सो ये भी क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इस बार मेरे पास में कितने पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 12 पार्ट्स हो गए. इसमें से मेरे कितने पार्ट फेवरेबल है, 5 पार्ट फेवरेबल है. तो 5 पार्ट कोई से भी अपन अभी कलर कर देते हैं. सो दिस इज नोन एज 5/12. तो ये अपन को क्या देता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है बेटा कि इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा. न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर. ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, इसका मतलब ये है. ठीक है, बराबर भी हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, और बड़ा भी हो सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 8/3. अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है ना बेटा, ये चीज़ बड़ी है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर. सो ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है. सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर है. एक और देखते हैं 11/5. ठीक है, सो 11/5 इज अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है डिनोमिनेटर से. ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई. ठीक है, अच्छा अब इसको डायग्राम में अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, या तो टोटल पार्ट तो मेरे 3 हो गए, अपन ने फ्रैक्शन में पढ़ा ना, इट इज फेवरेबल अपॉन टोटल. अब टोटल पार्ट तो मेरे 3 हैं, अब 3 में से 8 पार्ट में ले सकती हूँ क्या, नहीं ले सकती. अच्छा 5 में से 11 पार्ट नहीं ले सकती. ठीक है, सो इसमें हम अटक गए. अब ये कैसे बनाए, डायग्राम कैसे समझाएं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना बेटा, उसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ. क्यों, क्योंकि अभी समझ में आया कि यार 3 पार्ट से अपन 8 पार्ट नहीं ले सकते, और इधर 5 में से 11 पार्ट नहीं ले सकते, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है. ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में. क्लियर है कि नहीं है. अब मिक्स फ्रैक्शन क्या कहता है, मिक्स फ्रैक्शन कहता है, इट मिक्स फ्रैक्शन क्या है, होल प्लस फ्रैक्शन पार्ट. होल प्लस फ्रैक्शन पार्ट. ठीक है, अब पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने का ट्राई करते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 8/3. 8/3 लिया. ठीक है, इसको डिवाइड करना बेटा, तो ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा जाता है, QR/D के फॉर्म में. किस फॉर्म में लिखा जाता है, QR/D, जिसमें Q क्या होता है, क्वोशिएंट. Q is quotient, R is remainder, and D is divisor. ठीक है, सो इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं 8/3 को. सो यहाँ अपन डिवाइड करके देखते हैं 8/3. सो ये कितना होगा, 3 2 6, यहाँ पे क्या आ गया 2. ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर. ये मेरा क्या हो गया, डिवीज़र. और ये क्या हो गया मेरा, क्वोशिएंट. तो इसको QR/D के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये ऐसे लिखेंगे 2 R/, में मतलब 2/D. सो 2 2/3. क्लियर है, 2 2/3. ये चीज़ समझ में आई. तो ये क्या कह रहा है, अब इसको समझ में आ गया मेरे को कि क्या कह रहा है कि मैंने क्या किया, जैसे ये एक पार्ट लिया और ये दो पार्ट, दो तो बॉक्सेस मैंने पूरे के पूरे ले लिए। टू का मतलब यहाँ पे क्या है, दो बॉक्सेस तो मैंने पूरे ले लिए और जो थर्ड बॉक्स था ना उसके तीन पार्ट किए। टोटल पार्ट कितने थे, तीन, उसमें से मैंने दो पार्ट ले लिए। सो दिस इज इक्वल टू 8/3। हमने दो पार्ट तो पूरे पूरे ले लिए और जो थर्ड पार्ट था उसका हमने तीन पार्ट किए और उसमें से दो पार्ट हमने ले लिए। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा एक बार ये 11/5 का भी ट्राई करते हैं। तो 11/5 क्या कहता है, पहले इसको क्या करें, डिवाइड करके देखें। तो डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा कि 11/5। सो ये 11/5 किया, ठीक है। इसको क्या करते हैं अपन, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये 11/5 ऐसा आ जाएगा, 5 2s 10 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ये डिवीज़र और ये मेरा क्या हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो ये किसके बराबर लिखेंगे, वापस से QR/D के बराबर। तो Q किसके बराबर आ गया 2 के, R किसके बराबर आ गया 1 के और D किसके बराबर आ गया 5 के, ठीक है। सो ये किसके बराबर आ गया 2 1/5। अब ये क्या कहना चाहता है कि मैंने टू पार्ट्स तो पूरे के पूरे ले लिए, ये रहे मेरे टू पार्ट्स, ये मैंने पूरे के पूरे एज इट इज उठा लिए और मैंने क्या किया, जो थर्ड पार्ट था ना, थर्ड पार्ट को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और उसमें से कितना पार्ट लिया, फेवरेबल पार्ट कितना हो गया 1। दिस इज फेवरेबल अपॉन टोटल। सो फेवरेबल पार्ट कितना हो गया 1। सो ये किसके बराबर आ गया 2 1/5 के। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं लास्ट, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर क्या है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो पहले है ना देख लेते हैं कि आप एक बार थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल किया 2/3, पहले ये क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, पहले तो ये बता दो। ये क्या है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, इसमें क्या चल रहा है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर चल रहा है, ये पक्की बात क्या है, प्रॉपर है। क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत है, यार ऑब्वियसली बात है, ये टोटल 3 है, 3 में से मैं 2 पार्ट आराम से सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा 3 पार्ट लिए, उसमें से 2 पार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो 2/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे क्या आ गया 9/2। ये क्या है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर चल रहा है, ये क्या है, इम्प्रॉपर है। क्या है इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत है, अगर समझना चाहते हैं तो, बिल्कुल है। तो इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं 9/2 को, तो ये कितना आ जाएगा 2 4s 8, यहाँ पे क्या आ गया 1। सो ये मेरा क्या हो गया डिवीज़र, ये मेरा क्या हो गया क्वोशिएंट और ये मेरा क्या आ गया रिमाइंडर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए QR/D के फॉर्म में लिखते हैं। तो Q कितना आ जाएगा मेरा 4, क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर 1 और डिवीज़र 2। सो 4 1/2। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैंने 4 पार्ट तो पूरे के पूरे ले लिए और 5th पार्ट का एक आधा ले लिया, तो 4 पार्ट तो पूरे पूरे ले लिए, ये रे 1 2 3 4, 4 पार्ट तो मैंने पूरे पूरे ले लिए और जो 5th पार्ट है उसका मैंने हाफ ले लिया। सो दिस विल बिकम 4 1/2। तो क्या ये चीज़ क्लियर है आपको, इम्प्रॉपर को फिक्स में कैसे करना है और प्रॉपर इम्प्रॉपर में फ़र्क क्या है, मिक्स्ड क्या चीज़ है, सारे फ्रैक्शंस क्लियर हो गए। अब एक और चीज़ करते हैं, हमने समझ लिया कि कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड कैसे करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर, ठीक है। अच्छा जैसे ये रहा 4 3/2, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर मेरे को इसके साथ में इसको किसी को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है, तो इस फॉर्म में तो ये कैसे भी नहीं होगा 4 3/2, ठीक है ना। तो कैसे करना है इसको कि 2 4 8। इसको क्या करना है, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको ऐड, मल्टीप्लाई ऐड। आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर जैसा भी है, अगर कोई चीज़ मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, आप पहले उसको किस में करोगे, इंप्रॉपर फ्रैक्शन में करोगे, ठीक है ना। तो 4 2 8, 8 + 3 11। सो ऊपर तो 11 आ जाएगा और नीचे 2 का 2 रह जाएगा, तो ये दिस विल बिकम 11/2। एक और करने का ट्राई करते हैं, जैसे 5 3/4 ऐसा कुछ है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, ये चीज़ याद रखनी है। तो 4 5 20। अब 20 + 3 कितना हो गया, 23। सो 23/4। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है, ठीक है ना। फिर इधर भी 4 5 20 आंसर आएगा, उसको क्या करना है, ऐड करना है इसके साथ में, ठीक है। एक और करके देखते हैं, जैसे 7 4/9 ऐसा कुछ दे रखा है, 7 4/9। इसको कैसे करेंगे बेटा, वही सिंपल सा मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे, इसके साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 9 7 63, 63 + 4 67 और नीचे 9 ही रहेगा। ये चीज़ चेंज नहीं होगी, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे भी 4, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 9। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। एक चीज़ आप करके देखना, 1 3/2। एक बार आप ये ट्राई करके देखना कि इसका आंसर क्या आता है, 1 3/2 का। जब तक अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के फ्रैक्शंस पे चलते हैं कि कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, सो दैट आप ये इजीली आप कर सकें। चलो 1 3/2 आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शंस में। नेक्स्ट फ्रैक्शंस में बात करते हैं लोएस्ट फॉर्म की, ठीक है ना। तो फर्स्टली लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब एक ही चीज़ है, तो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये भी, ये सिंपलेस्ट, स्टैंडर्ड और लोएस्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, सबका मतलब यही है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो बुकिश लैंग्वेज से अच्छा है कि आप थोड़ा एक बार समझ लें कि ये होता क्या है। जैसे कि लोएस्ट फॉर्म क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर कटे ना, या फिर हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा हैवी हो गया, तो इस पे ना जाते हुए पहले समझ लेते हैं, इजीली समझ लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि दे रखा है 13/169, अगर ये कट सकता है तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, अगर नहीं कट सकता तो ये लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म मतलब क्या है, कट करते हुए जाओ, ठीक है, दोनों को एक टेबल में कट करते हुए जाओ। क्या ये दोनों एक किसी एक टेबल में आते हैं, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा ईजी ले लेते हैं, जैसे 2/4, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, 2/4। क्या ये किसी एक टेबल में साथ में आते हैं, क्या ये दोनों किसी एक टेबल में साथ में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 की टेबल पे। तो ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। सो ये क्या आ गया, 1/2। अब ये 1/2 कब फर्दर कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकते, तो दिस इज नोन एज लोएस्ट फॉर्म। ये इसकी क्या हो गई, लोएस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि क्या आ जाएगा, 40/16 या 160, 40/160 ले लेते हैं। क्या ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं, आते हैं क्या किसी की टेबल में एक साथ। बेटा ये चीज़ याद रखना, अगर आप इसको 2 से काट रहे हो तो ये भी 2 से ही कटना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसको आप 2 से काट रहे हो तो ये भी 2 से, ये नहीं कि आप ये 2 से काट रहे हो, ये 3 से काट रहे हो, ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। तो ये मेरे को पता है ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 की टेबल से ये 20 टाइम्स हो जाएगा, 2 20s 40 और ये कितनी बार हो जाएगा 80 बार। फिर 2 की टेबल से कटेगा तो 2 10s 20 और इधर 40। फिर ये 2 से कटेगा 5, ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 20। फिर ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं साथ में 5 की, तो 5 1s 5 4 सो दिस विल बिकम 1/4। अब ये फर्दर कट कर सकते हैं क्या अपन? इसको नहीं कर सकते। सो दिस विल बिकम आवर लोएस्ट फॉर्म। समझ में आया थोड़ा बहुत? ये चीज समझ में आई आपको? और क्वेश्चन करके देखते हैं लोएस्ट फॉर्म के। जैसे लिखा है कन्वर्ट 91/169 इन लोएस्ट फॉर्म, ऐसा कुछ दे रखा है। तो लोएस्ट फॉर्म क्या है बेटा? कट करते जाओ, सिंपली आप इसको कट करते जाओ जहाँ तक कट हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं कट होगा तो वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये तो मुझे पता है कि ये 13 की टेबल में आते हैं दोनों, तो ये 13 13s होता है 169 और ये 13 7s होता है 169। सो ये कितना आ गया 7/13 आ गया। क्लियर है? अब ये फर्दर कट सकते हैं क्या 7 और 13? किसी की टेबल में साथ में आते हैं क्या? नहीं आते। तो ये क्या हो गया 7/13 लोएस्ट फॉर्म हो गया। बेटा समझ में आया थोड़ा बहुत? और एक और कर लेते हैं लास्ट, थोड़ा सा एक और कर लेते हैं। सो उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्या आ रहा है 18/105 18/105 कुछ भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये दोनों किसी टेबल में साथ में आ रहे हैं? क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है कि कट सकते हैं? कट सकते हैं, 3 की टेबल से कट सकते हैं। तो 3 6s 18 और ये कितना हो जाएगा 3 3s 9 35। तो ये कितना हो गया 6/35। क्या ये फर्दर कट सकते हैं? नहीं कट सकते। तो ये मेरी क्या हो गई लोएस्ट फॉर्म हो गई। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? ठीक है। सो लोएस्ट फॉर्म आपकी क्लियर हो गई। कन्वर्जन ऑफ मिक्स टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पर उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फ्रैक्शंस की जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में काम आएगी, ठीक है। वो उसके अंदर ही मैं नोट में लिखवाऊंगी। सो सबसे पहले बाद में भी बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये एक प्रॉपर्टी पे वर्क करता है बेटा। पहले वो प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। नोट लगा के लिखिए कि इफ वी मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a fraction with same number then its value remains the same। कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर से, सेम नंबर से, तो उसकी जो वैल्यू है बेटा वो चेंज नहीं होगी। जैसे बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2, ठीक है। 1/2 को मैंने क्या किया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर लिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। या फिर इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी लाइन को ऐसे समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर देन द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल रिमेन द सेम। जैसे भी आप समझना चाहें, मैंने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा 2 1s 2 हो जाएगा और 2 2s 4 हो जाएगा। क्लियर है? सो दिस विल बिकम आर 2/4, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई? चेक कर लेते हैं। जैसे 2/4 है तो 2/4 फर्दर कट सकता है क्या? अभी अपन ने लोएस्ट फॉर्म पढ़ा है तो ये कट सकता है। ये भी 2 की टेबल में आता है 1 टाइम और ये 2 की टेबल में आता है 2 टाइम। तो ये कितना आ गया? अगेन 1/2 आ गया। तो ये तो अगेन ही 1/2 के बराबर है। ये अपनी रेफरेंस वैल्यू होगी ना, तो ये भी 1/2 ये भी 1/2। वैल्यू पे चेंज आया क्या? नहीं आया। एक और देखते हैं। मैंने 1/2 को ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर को भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 × 1000 कितना हो जाएगा? 1000। और 2 × 1000 कितना हो जाएगा? 2000। अब अगर मैं इसको कट करूँ वापस से, तो जैसे लोएस्ट फॉर्म में लाऊँ इन दोनों को वापस से, तो लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद ना ये वापस से क्या बन जाएंगे मेरे? 1/2 ही बन जाएंगे। जब अगर ये 1000 की टेबल में 1 बाय गया, 1000 की टेबल में 2 बार गया, तो ये 1/2। सो वैल्यू पे चेंज नहीं आता है। ये चीज़ समझ में आई क्या नहीं आई आपको? ये चीज़ प्लस माइनस में नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये प्लस एंड माइनस में, एड एंड सब्ट्रैक्ट में ये चीज़ नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसमें वैल्यू चेंज होगी। कैसे वो समझते हैं। जैसे मैंने 1/2 को ही ऊपर +1 किया और नीचे भी +1 कर दिया। मेरी रेफरेंस वैल्यू 1/2 है बेटा। मैं 1/2 को ऊपर भी +1 कर रही हूँ, नीचे भी +1 कर रही हूँ। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 और 2 + 1 3 हो गया। सो 1/2 और 2/3 इक्वल है क्या? ये तो 2 में से एक पार्ट है और ये 3 में से 2 पार्ट है। सो ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ये सिर्फ कंडीशन किस में चलेगी? मल्टीप्लाई और डिवाइड में चलेगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्लियर है कि नहीं ये चीज़ सबको? ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। ठीक है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज, ये रब कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? क्लियर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है? जैसे मुझे बोला फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। अब पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर या नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है। ये क्या होता है? अब इसको समझते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। अब कितने इक्विवेलेंट निकालने हैं? मान लो कि 3 इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। अब 3 निकालने हैं तो बेटा क्या करना है हमें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप कोई सा भी नंबर उठा लो, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे 3/4 का फर्स्ट इक्विवेलेंट निकालना है। फर्स्ट इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3/4 को क्या करूँ? सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से, फिर 4 से। इससे बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है। तो वो क्या एक पैटर्न चलता है। तो पहले मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8। तो ये 6/8 इसका एक इक्विवेलेंट हो गया 3/4 का। ठीक है। अपन ने अभी पढ़ा है कि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं एक नंबर को कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, तो उसकी वैल्यू क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। तो 6/8 = 3/4। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकेंड इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3/4 को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो ये कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12। सो ये किसके बराबर आ गया? 9/12 के बराबर आ गया। ठीक है। थर्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। आप कोई से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 2, 3, 4 ही चलो, बट बेसिकली वो थोड़ा सा क्या होता है कि एक पैटर्न चल रहा होता है कि पहले 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि आगे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे नहीं। ठीक है। तो 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16। तो 3/4 के 4 इक्विवेलेंट कितने हो गए? 3/4, 6/8, 9/12 और 12/16। सब 3/4 के इक्वली रहेंगे। ठीक है, एक और करते हैं, फाइंड 5 इक्विवेलेंट ऑफ 2/5. ठीक है, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, इक्विवेलेंट निकल जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इक्विवेलेंट निकालना है तो 2/5 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कर लो. सो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10. अब यहाँ दिक्कत आ रही होगी यार कि 2 3 4 ही चला रहे हैं वापस से, तो एक काम करते हैं, अभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, 2/5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ डायरेक्ट. तो 2/5 इंटू 2 उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, और 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50. ये इसका सेकंड इक्विवेलेंट हो गया. थर्ड इक्विवेलेंट किसी ने कहा कि यार 15 से निकालेंगे यार, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 इंटू 15/15, 15 2 ज़ा 30, 15 5 ज़ा 75. ठीक है, फोर्थ इक्विवेलेंट कहा कि यार 20 से निकालेंगे, 20 से निकाल लो. अपन को सिंपली क्या याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर अपन 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर है, नंबर सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, नंबर चेंज मत करना, नंबर कोई सा भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. तो 2 20 ज़ा 40 और 5 20 ज़ा 100, ये इसका फोर्थ इक्विवेलेंट हो गया. फिफ्थ इक्विवेलेंट किसी ने 100 से निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 इंटू 100/100. सो ये कितना आ जाएगा, 200/500. तो इसके 5 इक्विवेलेंट कितने हो गए, 4/10, 20/50, 30/75, 40/100 और 200/500. सो इसके 5 इक्विवेलेंट निकल गए. ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई सबको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्लियर है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन की. नेक्स्ट बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की. अब फ्रैक्शन वापस से क्या है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे के, एक आ जाता है लाइक फ्रैक्शन, एक आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है कि इसमें क्या होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, देन फ्रैक्शंस आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर ऑफ 2 or more fractions are same, then fraction are known as like fraction. ये चीज़ समझ में आई. ठीक है, थोड़ा सा वापस समझेंगे इसको. और इधर क्या कहता है कि डिनोमिनेटर ऑफ 2 or more fractions are different then they are known as unlike fraction. बेटा हमें सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करनी है, यहाँ पे न्यूमरेटर की बात नहीं करनी है, न्यूमरेटर कुछ भी चल रहा हो हमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, डिनोमिनेटर देखना चाहिए. अब ये क्या बोल रहा है, लाइक फ्रैक्शन की समझते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या कह रहा है कि इसमें अगर मैं दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को एक साथ देखती हूँ, अगर उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं देन दे विल बी लाइक फ्रैक्शन. जैसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे 2/5 एंड 3/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम चल रहे हैं ना, ये भी 5 ये भी 5, तो ये क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, दे आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे कि 7/8 ऑन एंड 50/8. ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर 8 8 चल रहे हैं, न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर से लेना देना, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर चलता है. तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम चल रहे हैं 8 8, ये भी क्या एक लाइक फ्रैक्शन है. क्लियर है, अब अनलाइक समझते हैं. अनलाइक में डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि 5/2 एंड 5/3, ये लाइक है कि अनलाइक है, दे आर अनलाइक, क्योंकि न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो इक्वल है कि नहीं है, हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर। तो 2 और 3 इक्वल है क्या? नहीं है, सो दे आर अनलाइक। क्लियर है। और इधर देखते हैं 7/6 और यहाँ पे देखते हैं 11/8। क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं? नहीं है, दे आर अनलाइक। अब एक चीज़ हमें जो देखने की ज़रूरत है, लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया, अनलाइक समझ में आ गया। अब एक चीज़ जो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो अपने एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होते हैं या फिर कंपैरिजन होता है, जो भी हम करते हैं ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? लाइक फ्रैक्शंस के बीच में होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस के बीच में ये कभी भी नहीं होगा। क्लियर है। अगर हमें अनलाइक फ्रैक्शंस में अगर करना है तो हमें उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू लाइक, अगर हमें उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन परफॉर्म करने हैं तो। अदरवाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन किसमें कंपेयर होगा? हमेशा इसमें। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका ही देखते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलूँ कि इसमें ऐड करो इन दोनों को, तो क्या होगा? इन दोनों को ऐड किया, 2/3 + 5/3 को, तो 2 + 5 तो कॉमन आ गया नीचे से, 5 इसका भी चल रहा है, 5 इसका भी चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 + 3 कितना हो गया? 5। सो दिस विल बिकम 5/5। ये कट रहा है, इसको काट दो तो कितना आ गया? 1। एडिशन हो गया, ठीक है। अब है ना, इसको अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूँ कि यार इसमें से कौन सा बड़ा है, तो 5 तो कॉमन हो गया, 5 को तो छेड़ना ही नहीं है। 2 और 3 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो 3/5 बड़ा हो गया, ठीक है। सेम ही चीज़ इस पर चलते हैं। पहले तो ये बताओ कि 7/8 और 50/8 में कौन बड़ा होगा? 8 तो हमें देखना ही नहीं है, 8 तो कॉमन जाएगा, उसमें तो अपन को टेंशन ही नहीं है। अपन को तो ये देखना है कि 50 और 7 में कौन बड़ा है, तो 50 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। और इधर क्या होगा? अगर ऐड करना है तो 7/8 + 50/8, 8 तो कॉमन आ जाएगा बेटा नीचे से, और 7 + 50 कितना हो गया? 57/8। ये हमारा एडिशन हो गया। अब इसकी बात करें तो 5/2 और 5/3 को कैसे ऐड करेंगे बेटा? नहीं कर सकते ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। सो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? अपन को कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पहले कन्वर्जन समझते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक है। Conversion of unlike fraction to like fraction बहुत important चीज़ है बेटा, आराम से समझो इस चीज़ को कि ये टॉपिक है क्या, क्योंकि फ्रैक्शन डिपेंड ही इस पे करता है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इस पे डिपेंड करता है कि कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। तो ये कैसे होगा? स्टेप 1, टेक LCM and make denominator same by finding its equivalent fraction, by finding their equivalent fraction। अब इस पे नहीं समझते हैं, ठीक है ना। अपन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या करना है। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट 1/2 एंड 2/3 इन लाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। 1/2 एंड 2/3 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2, यहाँ पे ले लिया मैंने 2/3। क्लियर है। अब क्या करना है? तो ये क्या होगा? यहाँ पे 2 चल रहा है, यहाँ पे 3 चल रहा है, तो 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा? 2,3 का, यहाँ से 2 गया 1, यहाँ पे 3, फिर 3 ये 1, तो 2 × 3 इज 6। तो मुझे इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 बन जाए? 2 को, नीचे की बात करनी है, ऊपर की बात नहीं करनी। डिनोमिनेटर को अगर 6 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा? 3 से। सो दिस विल बिकम 3/6, ठीक है। इधर 2/3 को किससे बनाना है? 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. सो दिस विल बिकम 2 2s 4, 3 2s 6. सो दिस विल बिकम आर 4/6. तो ये बन गया 3/6 और ये बन गया 4/6. एंड दिस इज आर अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन. एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन का, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए. ठीक है, जैसे कन्वर्ट 3/4 एंड 5/12 इन लाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे 3/4 लिखा, यहाँ पे 5/12 लिखा. हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर पे कंसिडर करना है. तो 4 और 12 हो गया. 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे. तो 4 1s 4, यहाँ पे कितना आ गया 3 3 1 1. सो दिस विल बिकम 4 3s 12. सारे एलसीएम इज 12. अब 4 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से. अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 3 3s 9, 4 3s 12. इधर क्या होगा 5/12. अब 12 को तो 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से. सो ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 1 से. तो दिस विल बिकम 5/12. सो ये हमारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए.